का मामला सामने आया है। घटना पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया। बड़ी खबर आपको बता रही है, पूरे घटनाक्रम की जांच के दिए आदेश। कच्ची शराब से मौत का मामला, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है। देहरादून के हरिद्वार में कच्ची शराब पीने से मौत का मामला, देहरादून और हरिद्वार में ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ एसएन पंत जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, देहरादून हरिद्वार में कच्ची शराब से मौत का मामला अभी सामने आया है, जिसको लेकर कड़ी कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। क्या कुछ पूरा मामला है, विस्तार से जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रुड़की क्षेत्र में एक मामला सामने आया है कि उसकी पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय व्यवस्था के चुनाव हरिद्वार में चल रहे हैं। ऐसे में जिलाधिकारी हरिद्वार ने जो जानकारी दी है, ग्राम शिवगढ़ फूलगढ़ में प्रथम दृष्टया प्रकरण जहरीली शराब सेवन का प्रतीक नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर चार लोगों की मौत हो गई है, जिसमें शिवनगर के माजरा, शिवगढ़, फूलगढ़, दुर्गाड़ और गोविंदगढ़ में एक अन्य व्यक्ति के बीमार होने से संबंधित कोई मामला सामने आया है। इसके अलावा जो चार मौतें हुई है उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और इस पर जो जांच की जा रही है उसमें मदिरा का सेवन किया जाना और किस रूप में किया गया, ये शराब कहाँ से आई थी, किस रूप में आई थी, उसकी पूरी जानकारी हासिल की जा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने बकायदा डीजीपी को और डीजीपी ने हरिद्वार पुलिस को आदेश कर दिए हैं कि तत्काल प्रभाव से इस पूरे प्रकरण की जांच की जाए और इस पूरे प्रकरण में ये देखा जाए कि ये जांच के अलावा जो जहरीली शराब यानी कच्ची शराब पीने से जो मौत की घटना हुई है उसमें सच्चाई कितनी है, क्या दूसरी बीमारी के कारण मौत हुई है या फिर किसी ने जहर देकर इनको मारा है, उस घटनाओं के अलग अलग पहलू पर जांच की जाए। लेकिन वर्तमान में जो खबर निकल कर आई है, हरिद्वार के रुड़की क्षेत्र के जो गांव सटे हुए हैं वहां कच्ची शराब पीने से मौत हुई थी और उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की निर्देश डीजीपी और हरिद्वार जिला प्रशासन को दिए हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि इस तरह की घटना जो हुई है उसके बाद मुख्यमंत्री ने भी आदेश दिए हैं कि कड़ी से कड़ी इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपसे जानना चाहेंगे, हरिद्वार और देहरादून में पहले भी इस तरह की घटना सामने आई है जब कच्ची शराब पीने से मौतों का मामला आया हो? जी बिल्कुल, देखिए जब जब कोई भी चुनाव होते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें धन बल, बाहुबल या फिर शराब परोसने के कई मरतबा आरोप तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे पर लगाते आए हैं और जब हरिद्वार के इस जगह क्षेत्र में चुनाव चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहां पर भी शराब का बोलबाला है। उसी के मद्देनजर इस बात की पुष्टि प्रशासन की ओर से की जा रही है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके अलग अलग पहलुओं पर जब जांच होगी तो जांच के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी, क्या रंजिशन इन लोगों को कच्ची शराब पिलाई गई है या वोट बैंक को कब्जाने के लिए कच्ची शराब पिलाई गई है या फिर कोई दूसरे प्रकरण या कारण इस बात के हो सकते हैं। तो इन सभी बातों को आधार बना करके सरकार ने जांच करने की बात कही है, लेकिन जो स्थानीय ग्रामीण हैं उन्होंने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों पर सीधा आरोप लगाया है और कहा है कि कच्ची शराब इसलिए पिलाई जा रही है ताकि उनको बरगलाया जा सके, अपने पक्ष में मतदान कराया जा सके, अपने पक्ष में एक माहौल बनाया जा सके, इसीलिए उनसे को शराब पिलाई जा रही है। और इन लोगों ने, जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग भी की है कि ऐसे लोगों के खिलाफ या ऐसे जनप्रतिनिधियों के खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वो एक नजीर बन सके और इस प्रकार का कृत्य कोई दूसरा कभी दूसरे चुनाव में या दूसरे ओकेजन पर ना कर सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।